बी रेडी। 5 सेकेंड्स स्टार्ट। वी हैव अशर्ड इन ए न्यू एरा ऑफ ट्रांसपेरेंसी। वी हैव गिवन ए करप्शन फ्री गवर्नमेंट। द रियल एस्टेट एक्ट 2016 एंड बेनामी ट्रांजैक्शन प्रोहिबिशन एक्ट 1988 आर हेल्पिंग टू ब्रिंग ट्रांसपेरेंसी इन द रियल एस्टेट सेक्टर। द फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स एक्ट 2018 विल हेल्प कॉन्फिस्केट एंड डिस्पोज ऑफ द एसेट्स ऑफ इकोनॉमिक ऑफेंडर्स हु एस्केप द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द लॉज इन इंडिया। एडिशनली वी कंडक्टेड ट्रांसपेरेंट ऑक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज इंक्लूडिंग कोल एंड स्पेक्ट्रम। वी हैव वॉकड द टॉक। एज ए ट्रिब्यूट टू महात्मा गांधीज 150th बर्थ एनिवर्सरी इन 2019 आवर गवर्नमेंट इनिशिएटेड द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट बिहेवियरल चेंज मूवमेंट विद द स्वच्छ भारत मिशन। इंडिया हैज अचीव्ड 98% रूरल सैनिटेशन कवरेज एंड एज मैनी एज 5.45 लाख विलेजेस हैव बीन डिक्लेयर्ड ओपन डेफिकेशन फ्री। इट इज ए होलिस्टिक प्रोग्राम एंड हैज सक्सीडेड इन चेंजिंग द माइंड सेट ऑफ आवर पीपल। विद द पीपल पार्टिसिपेशन दे ट्रांसफॉर्म्ड इट फ्रॉम ए गवर्नमेंट स्कीम टू ए नेशनल मूवमेंट। आई थैंक द 130 करोड़ पीपल ऑफ द नेशन फॉर द सक्सेस ऑफ स्वच्छ भारत अभियान हु अडॉप्टेड इट होल हार्टेडली। द पुअर हैव द फर्स्ट राइट ऑन द रिसोर्सेस ऑफ द नेशन। द गवर्नमेंट वाइल मेंटेनिंग द एग्जिस्टिंग रिजर्वेशन फॉर एससी एसटी अदर बैकवर्ड क्लासेस हैव नाउ एंश्योर्ड 10% रिजर्वेशन इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एंड गवर्नमेंट सर्विसेज फॉर पुअर। इन दीज इंस्टीट्यूशंस अराउंड 25% एक्स्ट्रा सीट्स विल बी प्रोवाइडेड सो दैट देयर इज नो शॉर्टफॉल ऑफ प्रेजेंटली अवेलेबल रिजर्व्ड सीट्स फॉर एनी क्लास। टू प्रोवाइड फूड ग्रेन्स एट अफोर्डेबल प्राइसेस टू द पुअर एंड मिडल क्लासेस अबाउट रुपीज 170,000 करोड़ वर स्पेंट इन द ईयर 2018-19 विच इज ऑलमोस्ट डबल द अमाउंट ऑफ रुपीज 92,000 करोड़ स्पेंट इन द ईयर 2013-14। वी एंश्योर्ड दैट एवरीवन गेट्स फूड एंड नन गोज टू स्लीप हंगरी। रुपीज 60,000 करोड़ आर बींग एलोकेटेड फॉर मनरेगा इन 2019-20। एडिशनल अमाउंट वुड बी प्रोवाइडेड इफ रिक्वायर्ड। वी हैव वर्कड टू ब्रिज द ह्यूमन रूरल डिवाइड इन द कंट्री। ऑनरेबल मेंबर्स इन दिस ऑगस्ट हाउस मोस्ट ऑफ हुम आर फ्रॉम रूरल एरियाज विल एग्री दैट सेवरल टाइम्स इन द पास्ट ओनली एम्प्टी प्रोमिसेस हैव बीन मेड टू पीपल लिविंग इन आवर विलेजेस। ड्यूरिंग द लास्ट 5 ईयर्स वी हैव अंडरटेकन टारगेटेड एक्सपेंडिचर टू इम्प्रूव देयर क्वालिटी ऑफ लाइफ इन ऑल इट्स डायमेंशंस। मैडम स्पीकर,
till the year 2014, about 2.5 crore families were forced to live the life of 18th century without electricity. Under Saubhagya Yojana, we provided free electricity connection to almost every household. By March 2019, all willing families will get electricity connection. In mission mode, we have provided 143 crore LED bulbs with the participation of private sector. This has resulted into a savings of approximately rupees 50,000 crore per year in electricity bills of poor and middle class families. The past 5 years have seen massive scale up of health care. Earlier, a poor man used to be in dilemma whether to fulfill daily needs of the family or save the life of an ailing member. This situation has deeply pained our Honorable Prime Minister. We launched the world's largest healthcare program, Ayushman Bharat, to provide medical treatment to nearly 50 crore people. Already close to 10 lakh patients have benefited for medical treatment, which would have cost them rupees 3000 crore through free treatment made available under the scheme. Lakhs of poor and middle class people are also benefiting from reduction in the prices of essential medicines, cardiac stents and knee implants, and availability of medicines at affordable prices through Pradhan Mantri Jan Aushadhi Kendras. There are 21 AIMS operating or being established in the country presently. 14 of these 21 AIMS have been announced since 2014. I am happy to announce setting up of new the 22nd AIMS in Haryana. The Aspirational Districts Program is providing targeted development to the 115 most backward districts of the country. The program has achieved notable results with improved performance on all indicators: health and nutrition, education, agriculture and water resources, financial inclusion and skill development. Madam Speaker, our hard working farmers were not getting the full value of their produce. With an aim to double the income of farmers, our government, for the first time in history, has fixed the minimum support price of all 22 crops at minimum 50% more than the cost. Agriculture continues to be the main driver of the rural economy. Our hard-working farmers, supported by pro-farmer policies of our government in the past 4.5 years, have produced agriculture commodities in record quantities. Declining prices of agricultural commodities in the international market and fall in food inflation in India since 2017-18 relative to non-food sector have, however, reduced the returns from farming. Small and fragmented land holding on account of repeated
divisions has also contributed in decline in the income of the farmer family. Hence, there is a need for providing structured income support to the poor landholder.